हाय बच्चों, आज मैं आपको पंचतंत्र की एक और कहानी सुनाऊंगी। और आज की कहानी है बन गया शेर। एक आश्रम में चार मित्र रहकर गुरुजी से विद्या सीख रहे थे। गुरुजी ने उनको बहुत तरह की विद्याएं और श्लोक सिखाए। इसके अलावा उन्हें बहुत सी पूजाओं और यज्ञ संपन्न कराने का भी ज्ञान दिया। जब उन चारों मित्रों की विद्या पूरी हो गई, तो उन्होंने लौटने का निश्चय किया। जब चारों मित्र गुरु का आशीर्वाद लेने गुरुजी के पास जाते हैं, इस पर गुरुजी बोलते हैं, मेरे शिष्यों, मुझे जो भी आता था वह मैंने तुम्हें सिखा दिया है, लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि जो जो विद्याएं मैंने तुम्हें सिखाई हैं, उन विद्याओं को सोच समझ कर प्रयोग करना, नहीं तो आप सभी मुसीबत में पड़ सकते हैं। ठीक है गुरुजी, हम आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। अब आप हमें जाने की आज्ञा दीजिए। आयुष्मान भव। गुरुजी से आशीर्वाद लेकर चारों मित्र अपने घर की ओर चल दिए। उनके गांव के रास्ते में एक घना जंगल पड़ता था। जब वह चारों मित्र उस घने जंगल से गुजर रहे थे, तभी उनकी निगाह एक शेर के कंकाल पर पड़ी। शेर के कंकाल की हड्डियां इधर उधर बिखरी पड़ी थी। तभी उनमें से भोले नाम के शिष्य ने अपने बाकी साथियों से कहा, मित्रों, गुरुजी के द्वारा मिले ज्ञान को आजमाने का वक्त आ गया है। मैं अपनी विद्या का प्रयोग करके इन हड्डियों को जोड़ सकता हूँ। उसकी बात पर कोई कुछ कह पाता, इससे पहले भोलू ने मंत्र पढ़कर सारी बिखरी हड्डियों को जोड़ दिया। यह देखकर उसके तीनों मित्र हैरानी से एक दूसरे के चेहरे देखने लगे और खुश होने लगे। तभी दूसरे मित्र कैलाश ने कहा, मित्रों, मुझे एक ऐसा मंत्र मालूम है जिससे कि मैं इस शेर के अंगों का निर्माण कर सकता हूँ और अंगों को जोड़कर मांस से ढक सकता हूँ। यह कहकर कैलाश एक मंत्र पढ़ना शुरू करता है और इस मंत्र के खत्म होते ही शेर का पूरा शरीर तैयार हो जाता है। यह देखकर सुवीर नाम का तीसरा शिष्य एकदम बोल पड़ता है, मित्रों, मेरी मंत्रों को पढ़ने की देरी है कि यह शेर जीता जागता जानवर बन जाएगा। मैं अपनी शक्ति से किसी भी जानवर में जान डालकर उसे जीवित कर सकता हूँ। ऐसा कहकर वो मंत्र पढ़ने जा ही रहा होता है कि चौथा मित्र गोपी एकदम बोल पड़ता है, मित्रों, ऐसा मत करना। अगर तुमने इस शेर को जीवित कर दिया तो ये शेर हम सबको खा जाएगा। गोपी की यह बात सुनकर तीनों मित्र उस पर जोर जोर से हंसने लग जाते हैं। इस कायर को तो देखो, ना तो इसे विद्या आती है और ना ही इसमें हिम्मत है। यह कितना डरपोक है। मित्रों, ऐसा अनर्थ मत करना, इसका बहुत बुरा परिणाम होगा। चुप हो जाओ तुम कायर कहीं के, खुद कुछ करना जानते नहीं और हमें भी नहीं करने दे रहे हो। गोपी शिष्य उन्हें बहुत समझाने की कोशिश करता है, पर तीनों को तो जैसे इस काम को करने की धुन सवार थी। मित्रों, अगर तुम्हें मेरी बात नहीं माननी है तो मत मानो, पर कम से कम मुझे किसी पेड़ पर तो चढ़ जाने दो। उसकी यह बात सुनकर तीनों मित्र गोपी की और ज्यादा हंसी उड़ाने लगते हैं और गोपी जल्दी से भागकर पास के पेड़ पर चढ़ जाता है। और यहाँ सुवीर ने अपना मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। मंत्र के खत्म होते ही शेर जीवित हो गया। शेर ने खड़े होकर अंगड़ाई ली और जोर से दहाड़ मारी। शेर की इस हरकत को देखकर तीनों मित्र एक दूसरे को देखकर हंसने लगे, लेकिन उनकी यह हंसी ज्यादा देर तक नहीं चली। शेर की उन पर नजर पड़ते ही वह तीनों मित्रों पर झपट पड़ा और तीनों को एक एक करके चीर फाड़ कर खा गया। शेर ने उन तीनों मित्रों को भागने का मौका भी नहीं दिया और उनको खाकर वहाँ से चला गया। गोपी पेड़ के टहनी पर बैठा यह सब नजारा देख रहा था। शेर के जाने के बाद वह पेड़ के नीचे उतर कर आया और अपने मित्रों के मरे शरीर को देखकर बोला, मुझे दुख है मित्रों कि तुम्हें विद्या तो आ गई, लेकिन उस विद्या को कहाँ और कैसे प्रयोग करना है नहीं आया। आज तुम सब मेरी बात मान लेते तो
तो तुम सबको अपनी जान से हाथ नहीं धोना पड़ता। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने ज्ञान का प्रयोग ठीक प्रकार से ही करना चाहिए। हाय बच्चों, आज मैं आपको पंचतंत्र की एक